नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूरे बिहार में सज गया छठ का बाजार। भारतीय टीम का बदला हुआ पूरा, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज की शानदार जीत। बिहार में 25 नवंबर से लग रहा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप मिलते हैं ये सहायता और छूट। खेल में मेडल ला और सरकारी नौकरी पाओ। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SIT BI बैंक में 50 पदों पर निकली भर्ती। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिडबी ग्रेड ए के कुल 50 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह सिडबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट https://sidbi.in/en पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 60% अंकों के साथ बैचलर्स की डिग्री ली हो। आरक्षित श्रेणी के लिए 55% तय किया गया है। एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें। पूरे बिहार में सज गया छठ का बाजार। लोक आस्था का महापर्व छठ में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में अब इस पर्व को लेकर बिहार का बाजार सज चुका है। एक तरफ जहां इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण सामान सूप बाजार में सजकर तैयार हो चुके हैं, तो वहीं सूप के साथ साथ मिट्टी के चूल्हे भी बाजार में सज चुके हैं। बता दें कि छठ पर्व में मिट्टी के चूल्हे पर जलावन के लिए आम की लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए बाजार में आम की लकड़ी का भी बाजार सजकर तैयार है। पटना के अधिकांश इलाकों में आम की लकड़ी की खरीदारी जोरों पर की जा रही। मालूम हो कि ज्यादा सूखा हुआ लकड़ी अधिक दामों में तो कम सूखा लकड़ी कम दामों में मिल रहे हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सूप पर फल ठेकुआ के साथ साथ बद्दी आलता तथा पान फूल आदि की भी आवश्यकता होती है, उसकी भी बिक्री जोरों पर है। राज्य का बाजार सामानों से रोशन हो गया है। भारतीय टीम का बदला हुआ पूरा, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज की शानदार जीत। विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 397 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शानदार शतक जमाया। विराट कोहली 117 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 70 गेंदों में 105 रन की पारी खेली। सलामी शुभमन गिल ने 66 गेंदों में 80 रन की पारी खेली। वहीं जवाब में न्यूजीलैंड की टीम के द्वारा भारत को कड़ी टक्कर दी गई। भारत के गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरी टीम को 48.5 ओवर में 327 रन पर ऑल आउट कर दिया। गेंदबाजी में समी ने 7, बुमराह ने 1, कुलदीप यादव ने 1 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिए। इसी के साथ भारत अब विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंच चुकी है। उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप मिलते हैं ये सहायता और छूट। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा राज्य में उद्योग लगाने के लिए कई तरह की सहायता और छूट दी जाती है, जो कि प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध करवाई जाती। बता दें कि इसके तहत सरकार की ओर से जो भी सहायता या छूट दी जाती है, उसमें बैंक लोन पर ब्याज का भुगतान, GST की वापसी, स्टाम्प शुल्क में छूट, कपड़े और चमड़े के उद्योगों को विशेष सहायता, सस्ती दरों पर औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन और शेड सहित अनेक दूसरे लाभ शामिल है। अगर आप भी इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उद्योग विभाग से संपर्क करें या https://startup.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे नागी नकटी पक्षी विहार के बारे में। नागी नकटी पक्षी विहार जमुई का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह जमुई में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। यहाँ पर आपको बहुत सारी विदेशी पक्षी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप स्थानीय पक्षी भी देख सकते हैं। यह जगह पक्षियों के रहने के लिए एक उचित आवास है। यहाँ पर चारों तरफ जंगल, पहाड़ी, बड़ी बड़ी चट्टाने, नमी वाली जमीन और जलाशय देखने के लिए मिलता है, जो पक्षियों के लिए एक उचित वातावरण प्रदान करता है। यहाँ पर आप ठंडे के समय जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पक्षी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जलाशय का
का भी सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। यह जगह सरकार के द्वारा डेवलप की गई है। यह जगह सरकार के द्वारा बहुत अच्छी तरह से विकसित की गई है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको श्वेत कंठ, नीलकंठ, स्वान, फुदकी, कोयल, सुरमाई, मुनिया, किंगफिशर, पीपी, चील देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर छोटा सा पक्षी संचेतना केंद्र है, जहाँ पर आपको पक्षियों के बारे में जानकारी भी मिल सकती है। आप यहाँ पर ठंड के समय आकर अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यह जमुई का पिकनिक स्पॉट है। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा से चयनित 1,20,000 शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है कि वे प्रमाण पत्रों की जाँच में तेजी लाए। वहीं अगर इस दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मुख्यालय को सूचित कर समाधान प्राप्त करें। बता दें कि निदेशक का कहना है कि 1,09,000 शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद जिलों के द्वारा औपबंधित नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ऐसे में अब बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आलोक में इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। नल जल की रैंकिंग में टॉप 10 में 9वें स्थान पर पहुंचा बिहार। केंद्र सरकार के द्वारा हर 3 महीने पर पूरे देश में कराई गई सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर की रिपोर्ट के तहत जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में घर घर तक नल का जल पहुंचाने के मामले में पंजाब पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार इस टॉप 10 की लिस्ट में 9वें स्थान पर है। बता दें कि जारी की गई इस लिस्ट के अनुसार पहले स्थान पर जहां पंजाब है, तो वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे पर पांडुचेरी, पांचवें पर गोवा, छठे पर अंडमान एंड निकोबार, सातवें पर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन, आठवें पर हिमाचल, नौवें पर बिहार और 10वें नंबर पर तेलंगाना है। मालूम हो कि बिहार में नल जल योजना का 99% काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जिलों में काम की धीमी रफ्तार के कारण रैंकिंग घट गई है। बता दें कि अक्टूबर की रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना की जाँच, नया कनेक्शन, शिकायत को दूर करने में बिहार की स्थिति बेहतर नहीं है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिहार अव्वल, यहां लगेंगे 24 लाख यूनिट। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा और खगड़िया के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में NBPDCL एवं हाई प्रिंट के बीच विद्युत भवन में कुल 24,18,000 स्मार्ट मीटर लगाने हेतु करार किया गया है। ऐसे में बहुत जल्द ही निजी कंपनी के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार लगभग 21 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर के साथ पूरे देश में अव्वल है। मालूम हो कि कंपनी के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत वर्ष 2024 के जनवरी महीने से की जाएगी, जो अगले 27 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। बिहार में 25 नवंबर से लग रहा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। बिहार के सोनपुर में 25 नवंबर से लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला की तैयारी तेज हो गई है। इस मेले में बड़े पैमाने पर जानवरों की खरीद बिक्री की जाती है। बता दें कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है। मालूम है कि इस बार यह मेला 25 नवंबर से 26 दिसंबर तक यानी कि 32 दिनों तक चलने वाला है। मेला की तैयारी के लिए सारण के जिलाधिकारी के स्तर पर विभिन्न कोषांग का गठन किया गया है। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और बिजली आपूर्ति के लिए कोष का गठन किया गया है। बता दें कि मेले को लेकर अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। इसकी मॉनिटरिंग DM स्तर से भी की जा रही। मालूम हो कि यहां का खास आकर्षण आने वाले देशी और विदेशी नस्ल के घोड़े होते हैं। वहीं इसके अलावा इस मेले में महिला एवं बाल विकास निगम का पवेलियन भी लगाया जाएगा। मेला में पवित्र स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय हादसे को रोकने के लिए दर्जन भर घाटों पर बैरिकेडिंग, अस्थायी स्नान घाट के साथ साथ मेला क्षेत्र में 9 स्थानों पर वॉच टावर का निर्माण कराया जाएगा। बिहार के कोसी इलाके में भी अब होगी चाय की खेती। बिहार में भी चाय की खेती का रकबा और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और साथ ही किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने के साथ देश भर में इसका प्रचार हो सके, इसको लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और असम कृषि विश्वविद्यालय के बीच MOU हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत असम के वैज्ञानिक बिहार आकर यहां के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए असम के वैज्ञानिक मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे। इस बारे में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यनारायण कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अभी किशनगंज में ही चाय की खेती होती है और यहां अभी 11 फैक्ट्री हैं। ऐसे में इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल आदि कोशी के जिलों में भी इसकी खेती शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया और टी रिसर्च एसोसिएशन के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
हमारे बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे चित्रगुप्त श्रीवास्तव के बारे में। चित्रगुप्त श्रीवास्तव का जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ था। इन्हें चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय फिल्म संगीतकार थे। चित्रगुप्त नाम से अधिक प्रसिद्ध 1950 और 1960 के दशक की हिंदी फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों के लिए भी संगीत दिया है। उनके पुत्र आनंद श्रीवास्तव व मिलिंद श्रीवास्तव की आनंद मिलिंद के रूप में मशहूर संगीतकार जोड़ी रही है। उन्होंने ज्यादातर मुख्य धारा से बाहर रही बी सी ग्रेड की फिल्मों में संगीत दिया था। लता मंगेशकर के शुरुआती करियर में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रेम धवन के साथ उन्होंने कई बार काम किया और उनके गीतों को संगीतबद्ध किया। उन्होंने ज्यादातर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के साथ काम किया। इसके अलावा गंगा की लहरें का किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गाना मचलती हुई हवा में छम छम भी हिट रहा। राजू भारतन के अनुसार लता मंगेशकर ने चित्रगुप्त के निर्देशन में 240 गाने गाए। उन्होंने किशोर कुमार से सेमी क्लासिकल गाना पायल वाली देखना और लोकप्रिय गाना अगर सुन ले कोई नगमा गवाया। खेल में मेडल लाओ और सरकारी नौकरी पाओ। बिहार सरकार के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना है। इसके तहत अगर राज्य के खिलाड़ी के द्वारा किसी भी खेल में पदक हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया जाता है तो उन्हें बिहार सरकार की ओर से सरकारी नौकरी दी जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत ओलंपिक में स्वर्ण रजत कांस्य पदक विजेता अथवा एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को क्लास एक की नौकरी मिलेगी तो वहीं ओलंपिक में भाग लेने अथवा एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत या राष्ट्रीय पदक जीतने पर ग्रेड पे 4600 की नौकरी मिलेगी। इसके अलावा एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने अथवा नेशनल गेम्स सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण रजत पदक विजेता को ग्रेड पे 4200 की नौकरी मिलेगी। नेशनल गेम्स सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता अथवा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण रजत कांस्य पदक विजेता को ग्रेड पे 1800 से 1900 की नौकरी मिलेगी। श्रम विभाग की योजनाओं के 9 मानकों पर बिहार का ये जिला अव्वल। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा राज्य भर में जिलों की रैंकिंग जारी की गई है जिसके तहत विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का मधुबनी जिला अव्वल है। तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दरभंगा और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर है। वहीं इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर नालंदा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग की ओर से पिछले 3 माह से जिलों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग की ओर से पिछले 3 माह से जिलों की मासिक रैंकिंग बनाई जा रही है लेकिन पहली बार अक्टूबर में रैंकिंग को पब्लिक डोमेन में डाला गया है। वहीं विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि जिस जिले की रैंकिंग लगातार खराब होगी उस जिले के श्रम अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि यह रैंकिंग सरकार के कई विभागों की ओर से हर महीने अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए की जा रही रैंकिंग को देखते हुए किया जा रहा है। बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन नवीकरण हेतु सूचना। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन नवीकरण हेतु निर्माण श्रमिकों के लिए सूचना जारी की गई है जिसके तहत बताया गया है कि बोर्ड में पूर्व से निबंधित निर्माण श्रमिक जिनका निबंधन समाप्त हो गया है अथवा शीघ्र समाप्त होने वाला है वे अपना ऑनलाइन निबंधन नवीकरण https://bocw.bihar.gov.in/ पर जाकर 31 दिसंबर 2023 से पहले करा ले। बता दें कि बोर्ड में निबंधित श्रमिकों के लिए जो योजना संचालित की जाती है उनमें मातृत्व लाभ विवाह सहायता मृत्यु अनुदान दाह संस्कार शिक्षा के लिए सहायता चिकित्सा सहायता नगद पुरस्कार पितृत्व लाभ और वार्षिक चिकित्सा सहायता है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप जिला श्रम कार्यालय 0612-252-5558 पर संपर्क कर सकते हैं। छठ पूजा से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को इसी माह यानी कि नवंबर का वेतन 16 नवंबर यानी कि आज से देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इसको लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के द्वारा आदेश को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब इस महीने के वेतन के लिए सरकारी कर्मचारियों को 30 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि महापर्व को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से इस बार कर्मचारियों 14 दिन पहले ही वेतन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने राज्यपाल के प्रधान सचिव विधानमंडल के सचिव हाईकोर्ट के महानिबंधक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव विभागाध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त जिलाधिकारी और कोषागार अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
राज्य में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। प्रदेश के मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही। कृषि विश्वविद्यालय पूसा की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बना रहने वाला है, साथ ही आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से शाम से लेकर सुबह तक ठंड रहेगी और अधिकतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि सुबह के समय प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के स्तर का कोहरा एवं उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के भाग में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि देखी जा सकती है। अब भूटान से सीधे गया आ सकेंगे पर्यटक और श्रद्धालु। बीते दिन गया एयरपोर्ट से भूटान के लिए सीधे 2 हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें भूटान एयरलाइंस की पहली विमान का परिचालन क्रमशः 11:30 बजे बैंकॉक गया पारो सेक्टर पर किया जाएगा, तो वहीं दूसरे विमान का परिचालन क्रमशः 3 बजे पारो गया बैंकॉक सेक्टर से किया जाएगा। बता दें कि आने वाले समय में डुक एयरलाइंस के विमानों का परिचालन भी गया से किया जाने वाला है। मालूम हो कि इससे गया आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि होगी, जिससे कि पर्यटन विभाग को भी काफी लाभ होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में गया एयरपोर्ट से 2 घरेलू विमान कोलकाता गया दिल्ली और दिल्ली गया कोलकाता का परिचालन किया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विमानों में मार नेशनल एयरवेज, म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल, थाई स्माइल, थाई एयर एशिया समेत कई अन्य विमानों का परिचालन किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक करे ये काम, नहीं तो बंद हो सकती है यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी को लेकर एक बड़ी खबर है। दरअसल फोन पे और गूगल पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप उन यूपीआई आईडी को बंद करने वाले हैं जो निष्क्रिय हैं। बता दें कि इस काम को करने को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देश दिया गया है। इसके लिए एनपीसीआई की ओर से 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है। इसलिए अगर आपका यूपीआई आईडी भी निष्क्रिय है तो उसे 31 दिसंबर 2023 से पहले एक्टिव कर ले। हालांकि बैंक की ओर से यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट करने से पहले यूजर्स को ईमेल या मैसेज के जरिए नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी जाएगी। बता दें कि एनपीसीआई के द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइन के अनुसार सभी थर्ड पार्टी ऐप और पीएसपी बैंक निष्क्रिय ग्राहकों की यूपीआई आईडी और उससे जुड़े मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेंगे। यदि एक साल से किसी भी तरह का क्रेडिट या फिर डेबिट इस आईडी से नहीं हुआ है तो उसे बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद नए साल से बंद किए गए यूपीआई आईडी से कस्टमर्स ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। दरभंगा के पूर्व समस्तीपुर की महिलाएं सबसे अधिक मधुमेह पीड़ित। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जिलावार रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि उत्तर बिहार के 2 जिले दरभंगा और समस्तीपुर में मधुमेह पीड़ितों की संख्या सबसे अधिक है। दरभंगा में पुरुष तो वहीं समस्तीपुर में महिलाएं सबसे अधिक मधुमेह से पीड़ित हैं। इनकी गणना मधुमेह के हाई रिस्क कैटेगरी में की गई है। आपका जानकारी के लिए बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में 3 से 5% तक महिलाएं मधुमेह से पीड़ित है। वहीं अगर पुरुषों और महिलाओं के तुलनात्मक आंकड़ों को देखें तो पुरुषों की अपेक्षा मधुमेह पीड़ित महिलाओं में 2 से 4% तक का अंतर है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में पुरुष मधुमेह पीड़ित की संख्या जहां 6.9% है तो वहीं महिला का भी 6.9% है। वहीं मधुमनी में पुरुष पीड़ितों की संख्या 9.3 और महिला पीड़ितों की संख्या 7.4 है। पश्चिम चंपारण में पुरुष पीड़ितों की संख्या 5.9 तो महिला पीड़ितों की संख्या 4.3 है। पूर्वी चंपारण में मधुमेह पुरुष पीड़ितों की संख्या 8.1 तो महिला मधुमेह पीड़ितों की संख्या 5.3 है। समस्तीपुर में पुरुष पीड़ितों की संख्या 7.9% और महिला की संख्या 8.0% है। 28 नवंबर को हाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे पशुपति पारस। बीते दिन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस वर्ष वो अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हाजीपुर में मनाएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस 28 नवंबर को है। उन्होंने कहा कि हमारे 10 संस्थापक रामविलास पासवान के द्वारा वर्ष 2000 में पार्टी की स्थापना दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई थी। रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर में रही है। वे हाजीपुर को अपनी माँ की तरह मानते थे, इसलिए इस वर्ष पार्टी का स्थापना दिवस हाजीपुर में होगा। इस स्थापना दिवस में पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं सहित दलित सेना के हजारों लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि इसे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। स्थापना दिवस समारोह के पहले 21 नवंबर को तैयारियों को लेकर एक बैठक होगी। आरजेडी बीजेपी के यादवों पर सियासी संग्राम में जेडीयू की एंट्री।
महागठबंधन में शामिल दलों और बीजेपी के बीच 14% यादवों की आबादी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया था कि राजनीतिक लाभ की वजह से जाति गणना में यादवों की संख्या जानबूझकर बढ़ाई गई है, तो वहीं अब बीजेपी यादव सम्मेलन कर रही है। लेकिन अब इन सब के बीच अब जेडीयू की भी एंट्री हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के द्वारा कहा गया कि बीजेपी यादवों को लेकर कंफ्यूज है। उन्होंने कहा कि पहले तो जाति गणना की रिपोर्ट आने के बाद यादवों की संख्या को लेकर हंगामा खड़ा किया गया और अब उन्हीं यादवों को लुभाने के लिए यदुवंशी सम्मेलन कर रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि वह जाति की राजनीति नहीं करती और दूसरी तरफ यादव सम्मेलन भी करती है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा, बीजेपी वैसे वैसे बौखलाहट और घबराहट की तरफ बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है ऐसे में वह नए नए मुद्दे तलाश कर रही है। केशव यादव के जीडीपी वाले बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री के जीडीपी वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, पिछली बेंच पर बैठा, वही यहां का नेता है। वही बता रहा है कि यहां विकास हो रहा, उसे विकास लिखने नहीं आता है कि शब्द को लिखने में बड़ी ई की मात्रा का उपयोग होता है या छोटी ई का। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यहां के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री केशव यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। उनको ये समझ ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन सा राज्य है। जीडीपी के मामले में बिहार देश के सबसे पिछले पायदान 28वें नंबर पर है, पर उप मुख्यमंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो हम लोगों का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोगों का सबसे बेहतर है। केशव यादव को जीडीपी और जीडीपी में ग्रोथ का अंतर ही समझ में नहीं आया और कह दिए कि देश में हमारा जीडीपी सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं और जीवन पढ़े ही नहीं तो आपकी यही दशा होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। स्टेट बैंक की हेवड़ा के 2008 में 58 लाख रुपए की कर्ज माफ की। मुंबई में सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही 2013 में भारत सरकार ने भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। 40 वर्ष की आयु में सम्मान को प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यह सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। सचिन को यह सम्मान देने के लिए पहले नियमों में बदलाव किया गया था। उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म 1846 में हुआ था। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक भूमि रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का जन्म 1908 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक मिहिर सेन का जन्म 1930 में हुआ था। भारतीय क्रिकेट अंपायर आर रामचंद्र राव का जन्म 1931 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध शटलर खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का जन्म 1973 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का निधन 1915 में हुआ। पासी जाति से संबंधित एक वीरांगना उदा देवी का निधन 1857 में हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल में आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि अगर ग्राहक का पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो उसका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता 24 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। इंडिया पोस्ट ऑफिस कभी भी ऐसा कोई संदेश नहीं भेजता। कभी भी अपनी व्यक्तिगत और बैंक जानकारी किसी के साथ साझा न करे। व्हाट्सएप पर अब इतना डेटा ही हो पाएगा बैकअप। व्हाट्सएप और गूगल जल्द चैट बैकअप के लिए अनलिमिटेड स्टोरेज कोटा को खत्म करने वाले हैं। वर्तमान में आप व्हाट्सएप पर कितना भी डेटा बैकअप कर सकते हैं लेकिन जल्द कंपनी इसे 15 GB तक ही सीमित करने वाली है। यानी जितनी स्टोरेज आपके गूगल अकाउंट में होगी आप केवल उतना ही डेटा इसमें बैकअप कर पाएंगे। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने शेयर की है। फिलहाल कंपनी ने इस विषय में लोगों को इन ऐप अलर्ट देना शुरू कर दिया है और व्हाट्सएप हेल्प सेंटर पर भी इस विषय में अपडेट दिया गया है। इस बदलाव ने उन यूजर्स को नुकसान होगा जिनका डेटा 15 GB से ज्यादा रहता है और वे मीडिया मैसेज आदि सभी के रेगुलरली बैकअप करते हैं। इससे बचने के लिए आप चाहे तो गूगल वन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप बिना पैसे खर्च किए अपने गूगल अकाउंट में स्पेस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेकार की फाइल्स को हटाना होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कितना है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी सातवां।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। अगला सवाल, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला सवाल, हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, बिहार में सेब की खेती करने पर राज्य सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 50। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद फहीम, विकास दास, विवेक मिश्रा, गोरड़ शर्मा, उमेश सिद्धदेव, अतीक खान, धीरज रॉय, सदुल्लाह पलवी, बाबूलाल मरांडी, नुनू गोलू कुमार, हेमंत चौबे, सुमित कुमार, मंटू कुमार, कुशवाहा कुंदन मौर्य, निशा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपके अनुसार किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।